ओ वाह, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस यहाँ आ गई। मैंने सुना है कि बाहर बहुत तबाही मच गई है, और मैंने तो ये भी सुना है कि लोगों ने मिलकर उनके ऑफिस को बुरी तरह तोड़ दिया। ओ ये क्या, वान यंग चे ने डिवोर्स अनाउंस कर दिया? पिल सियोंग किम और वांग यान चेस पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था ये पिल सियोंग किम को इतना ज्यादा तकलीफ देगा। हम पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो लोग कह रहे हैं कि वो एक कमीना है, वो सिर्फ पहले जैसा परफेक्ट होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन अभी उसने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। और ये तो वही है ना जो तुम्हें चाहिए था? ये वो नहीं है जो मैं डेस्परेटली चाहती थी। ये तुम अब क्या कह रही हो? मैं तो चाहता हूँ कि पिल सियोंग किम अब बिजनेस छोड़ दे, और तुम चाहती थी कि वान यंग चे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। क्या हमें वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था? सियोनवा, एक नया टैलेंट जिसकी तुलना वान यंग चे से हो रही है, और प्रोड्यूसर्स आपस में झगड़ रहे हैं उसे शो में लेने के लिए। तो तुम्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला क्या? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली मैं सबको सच बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा फिर से इंटरव्यू हो। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? तुम पिल सियोंग किम को इतनी बुरी तरह बचाना क्यों चाहती हो? इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है उन्हें प्यार हो गया है। लेकिन सच कहूं तो मैंने आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा जिसने अपने प्यार के लिए खुद की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी है किसी इंसान के लिए, वो भी ऐसा जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तुम्हें जानता नहीं। क्या कहना चाहते हो? क्या तुम खुद को उसके लिए सैक्रिफाइस करना चाहती हो? अगर इसका मतलब सब कुछ खोना है फिर भी। मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ झेला है और तुम आखिर में अपने सपनों को हासिल कर रही हो, तो बताओ क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगी, वो भी सिर्फ पिल्स और किम के लिए? मुझे आखिर समझ आ गया कि वो तुमसे इतने केयरफुल क्यों रहते थे। अपना फैसला तुम खुद करो। तुम अपना मुंह बंद रख के मेरे साथ काम कर सकती हो और वान यंग की जगह ले सकती हो, वो भी बड़ी आसानी से, या फिर इन सब चीजों को खोकर एक चोर की तरह जिंदगी जी सकती हो। देखा देखा, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने आज तक ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसने अपने प्यार को बचाने के लिए सैक्रिफाइस किया हो। चलो साथ में डिनर करते हैं, मुझे एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट पता है। देख लो, यही सच्चाई है। क्या तुम्हें सही में ऐसा करने की जरूरत है? तुमने अपने ऊपर इल्जाम लगाने के लिए पब्लिक को क्यों उकसाया, बताओ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई गलत समझता है या फिर कोई मुझसे नफरत करता है, ठीक है? मेरी बात सुनो, तुम और ज्यादा खो दोगे अगर तुमने टफ होने की कोशिश की तो। इसलिए मुझे ये इल्जाम अपने सर लेना चाहिए ताकि पिल्सियो इस झमेले से निकल जाए। उसे एक मासूम विक्टिम की तरह दिखाओ जिसे मैंने इस्तेमाल किया। वो सिर्फ अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना चाहता था। मैं उसे इन झमेलों में फंसाना नहीं चाहती। प्लीज। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है क्योंकि मुझे बताना था ये कितना सीरियस है। I'm sorry, Mr. Lim. पिल सियो, मैंने तुम्हें अपनी फैमिली की तरह समझा है। अभी मुझे फैसला करने की जरूरत है। क्या मतलब? मैं होंग योंग चाय के साथ रिश्ता तोड़ रहा हूँ। किसी भी हालत में मुझे तुम्हें बचाना है। तुम मुझे बचा के पूरा इल्जाम उस पर लगाना चाहते हो क्या? अरे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। जिस पिल सियोंग किम को मैं जानता हूँ वो हार्ड हेडेड और रिसोल्यूट है। वो एक परफेक्शनिस्ट है जो खुद को ऊंचे दर्जे पे रखता है, लेकिन तुम्हारा बर्ताव तो सच में बहुत अजीब लग रहा है मुझे। तुम होंग योंग चाय से जुड़े रहते हो जबकि वो एक टिकिंग बॉम्ब है। बस एक बार तुम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, ये प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म नहीं होगा।
कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। क्या हुआ? क्या तुम वो रिपोर्ट्स और फोटोज लेकर आई हो? फोटोज और रिपोर्ट्स कहाँ है? कहाँ है फोटोज और रिपोर्ट्स? क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? तुम एक बेकार औरत हो। तुमने मुझसे शादी इसीलिए नहीं की, बल्कि इसीलिए की क्योंकि तुम बदले में मुझसे कुछ चाहती थी। मैं तुमसे शादी करने के लिए बहुत ही उत्सुक था और इसी का तुमने फायदा उठाया, लेकिन अब और नहीं। डियर, ये गलत फहमी है, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे समझाने दो। मुझे तो अभी महसूस हो गया है कि मैंने सबसे जरूरी चीज को अनदेखा कर दिया। मुझे पता होना चाहिए था कि जिस औरत से मैंने शादी की है वो औरत ऐसे घिनौने काम कर सकती है और मुझसे प्रेग्नेंट होने का झूठ बोल सकती है। मैं और मेरा परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। डियर, मेरा लॉयर अब तुम्हें कांटेक्ट करेगा, जो भी हो उसे समझाना। जा रहे हैं और जाने से पहले वोंगबे को मिलना चाहेंगे। वोंगबे, वोंगबे, मैं यहाँ हूँ। वोंगबे, वोंगबे वो यहाँ नहीं है। वो नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो कहा था कि तुम उसे रात में उठा के ले गई थी। क्या तुमने झूठ बोला? क्या ये अफवाह सच है कि तुम सच में डिवोर्स ले रही हो? क्या इसीलिए तुम हमसे बात किए बिना वोंगबे को लेकर चली आई? हाँ हाँ, अफवाहें सच है। जो भी टीवी पर दिखाया जा रहा है सच है। मुझे माफ करिए, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ह्वांगन बहुत जिद्दी है, वो हमेशा टफ होने का ढोंग करती है। उसकी तरफ देखो तो, उसका वजन कम हो गया है, वो बहुत पतली हो गई है। हम पहले घर चलते हैं। हमने यहाँ आते हुए मार्केट से उसके लिए कुछ लिया है। अब हम वो तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ के चले जाते हैं। तुम एक शू घर पर भूल गई थी जब तुम हनीमून के लिए यहाँ आई थी। चाहे जो भी हो हुआनयंग, तुम हमारी खुशी की यादों का एक हिस्सा रहोगी। हम लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे।
तुमने जो शुरू किया है उसे तुम्हें ही खत्म करना होगा। तुम यहाँ कब आओगी? मैंने वो सब तैयार कर लिया है जो चाचा की मांग है। मैं कल वहां आ जाऊंगी जैसा कहा गया था। वांग बे को वहां ले आना। अभी तक सोई नहीं? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? चलो मेरे स्टार ट्रीटमेंट को फिर से आजमाते हैं। गांव में कितने सारे तारे थे ना, लेकिन यहाँ तो ठीक से दिखते भी नहीं। मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। अगर तुम ध्यान से देखो तो वहां पर सबसे चमकीला तारा दिखेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसमान कितना काला है, अगर ध्यान से देखो तो वो तारा तुम्हें हमेशा दिखेगा जो तुम्हारी तरह ही चमकता रहता है। तुम सब कुछ ऐसे ही चले क्यों जाने दे रही हो? अगर तुमने ये मेरे लिए किया है तो नहीं। जो भी मैंने टीवी पर कहा वो सब सच ही तो है ना। हमने 3 साल के लिए शादीशुदा रहने का कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे आपसी फायदे के लिए। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। क्या जो इतने साल हमने साथ बिताया वो बस तुम्हारे लिए एक दिखावा है? मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है क्या? ऐसा मत करो, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं पब्लिक की आंखों से गायब हो जाऊंगी, लेकिन तुम स्टार ही रहोगे, तुम चमकते रहोगे। तुम्हारे बिना नहीं। अब से ये शादी मेरे लिए कोई फेक नहीं है और ना ही अब कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, इसलिए मेरे पास जो भी है तुम्हें दे रहा हूं। इन पैसों को अपने नुकसान भरने में इस्तेमाल करना। आई एम सॉरी। हाँ।
क्या तुम्हें जगह याद है? तुमने मुझे यहाँ पहली बार किस किया था? ये वही जगह है जहाँ तुमने कसम खाई थी कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे। मुझे महसूस हुआ मैं तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकती। मेरी लाइफ मीनिंगलेस है। अगर तुम कभी मेरे नहीं हो पाए तो क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? तुमने ये सब कुछ मुझसे यही कहा था? तुमने मुझे कहा था कि हम वहां जाएंगे जहां सिर्फ मैं और तुम हो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम। गाइन, मैं यहां पर तुम्हें गुड बाय कहने आया हूं, तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब मैं सब कुछ खत्म कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रहना चाहती हूँ। क्या तुम एक बार फिर से बदल सकते हो? इससे पहले तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा था, लेकिन सच बात तो यह है कि तुम कभी मुझे छोड़ ही नहीं पाई, और इसी वजह से हमारे प्यार में वो सच्चाई ही नहीं थी, सब झूठ था। ये सब तुम्हारे लिए बस एक शैडो था, और उसी शैडो में तुमने मुझे देखा था। मैं थक चुका हूँ तुम्हारा इंतजार करके और तुम्हें प्रोटेक्ट करके, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरसा, क्योंकि वो मेरा पहला और इकलौता सच्चा प्यार था। मुझे लगता था कि प्यार दर्द भरा होता है और सेल्फिश भी। तुम्हें पता है, हुआन यंग ने मेरे लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है। ऐसा उसने मुझे बचाने के लिए किया। ये लड़की हुआन यंग छे, इसने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, और अब मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। तुम मेरे लिए दिल से दुआ करना, हमें जुदा होना होगा। मैं तुम्हें इतने दिनों से दूर से ही देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन अब मैं जा रहा हूं। बेवकूफ थी जो तुम्हें समझ नहीं पाई। सुनो, ये तो एक पुराना खंडहर है। बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने सुना कि तुम अपने चाचा से मिली, विरासत पाने के लिए उसने तुम्हें अपने राइट्स और डिवोर्स करने को कहा।
हाँ, उसने जो भी कहा मैंने वो किया। क्या इतना काफी नहीं, तुम्हें और क्या चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें देने आया हूं। क्या? अपने डिवोर्स की पिटीशन वापस ले लो, वसीयत को फॉलो करो और निश्चित करो कि तुम्हारी शादी 3 साल तक बरकरार रहे। ये तुम क्या कह रहे हो? इसमें तुम्हें तुम्हारे चाचा ने जो गुनाह किए हैं और जो गड़बड़ की है उसके सारे सबूत मिल जाएंगे तुम्हें। और ये वो ब्लैक बॉक्स है जो हमें रिकवर हुआ है उस कार से जिसे तुम्हारे पापा उस दिन चला रहे थे। इसमें जिस दिन तुम्हारे पापा के ड्राइवर का मर्डर हुआ उस वक्त की सारी बातें रिकॉर्डेड हैं। तो अब से तुम मेरी टारगेट नहीं हो, मेरा अगला टारगेट है तुम्हारा चाचा। तुम दोनों को ही मैं बहुत जल्दी बर्बाद करके रख दूंगा। तुम दोनों ही? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम वो नहीं थे जो चाहते थे मेरा परिवार बर्बाद हो जाए? और अब तुम मुझसे ये सब करने के लिए कह रहे हो? हाँ, आखिर अब तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो अभी से मैं तुम्हारे चाचा के साथ तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारी मदद करूंगा और साथ दूंगा। जब तुम्हें तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी और वसीयत मिल जाएगी और तुम चेयरमैन बनोगी, तो इस सहायता के बदले में तुम मुझे उस कंपनी की माइनिंग की ऑनरशिप मेरे नाम करोगी, तभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं कर सकती। मैं अपने डिवोर्स का पिटीशन वापस नहीं लूंगी। नहीं कर सकती मैं। मैंने आज सुबह उसे देखा था। क्या वो अपने पापा के घर गई है? ऐसा लग रहा था कि वो कहीं दूर जा रही है। उसके पास बहुत सारा लगेज था। वो माइनिंग की ओनरशिप पाने के लिए हॉन यंग को धमका रहा होगा। मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। वास्तव में मुझे तो उनका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। उन दोनों को जल्दी से जल्दी मार डालो और इस तरह मारो कि ये मर्डर ना लगे। मुझे कल की मीटिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो ला कर दो।